और आप देख रहे हैं महाबहस। बांग्लादेश में से शेख हसीना का तख्ता पलट और बगावत ने हिंदुओं के लिए आफत खड़ी कर दी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया और 52 जिलों में 200 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई। और इस सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश की नई सरकार के सामने आपत्ति भी जाहिर की और सख्त रवैया भी अख्तियार किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच विपक्षी खेमा चुप ही दिखाई दिया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब विपक्ष की चुप्पी पर प्रहार किया तो एक एक कर विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलना शुरू किया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हमदर्दी जाहिर की। अब सवाल यह कि भारत में वोट बैंक जरूरी, इसीलिए बांग्लादेश हिंसा पर खामोशी? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी के मायने क्या है और क्या पीड़िता का धर्म देखकर ही विपक्ष को गुस्सा आता है? अब हिंदू हिंसा और बांग्लादेश के बीच अब योगी वर्सेस अखिलेश, आज इसी पर होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। भारत में वोट बैंक जरूरी, इसीलिए बांग्लादेश हिंसा पर खामोशी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी। जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पीड़ित का धर्म देखकर विपक्ष को गुस्सा आता है। अखिलेश के सेलेक्टिव गुस्से पर योगी का प्रहार। मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं। उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बांग्लादेश की हेट स्टोरी, अखिलेश की अलग सोच थ्योरी। हिंदू हिंसा और बांग्लादेश, अब योगी वर्सेस अखिलेश। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मनीष सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महंत राजू दास जी हैं हिंदू धर्म गुरु, मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मनीष जी आप ही से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को घेरा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसाएं हो रही हैं उसे लेकर विपक्ष में चुप्पी क्यों है। जब उन्होंने इस बात को उठाया तो एक एक करके सबके हमदर्दी भरे बयान सामने आए। आज मुख्यमंत्री ने भी इसी बात को लेकर घेरा है और कहा है कि वोट बैंक का डर है इसीलिए हिंदुओं पर चुप्पी है। आस्था जी, बहुत वाजिब और बहुत ही बुनियादी सवाल आपने उठाया है। वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो सत्ता में बैठे हुए सामंती चरित्र के लोग हैं उन लोगों ने देश और दुनिया में किस तरह का राजनीतिक और सामाजिक माहौल बना करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कोने में, उनकी रक्षा वहां की सरकार की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 4 तारीख को जब शेख हसीना जी भारत आ रही थी, तकरीबन 2:30 बजे का समय था, उस समय भारत के जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी ने क्या कहा कि हम लोगों ने पहले से ये, हम लोगों का अंदेशा हो गया था, हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली थी। आप एक बात बताइए कि 4 तारीख से लेकर के और आज 12 तारीख हो गया, एक बार भी प्रधानमंत्री का एक बयान, जो हर मुद्दे पर बहुत चुनावी जनसभा संबोधित करते हैं, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, क्या उनकी प्रथम जिम्मेदारी नहीं बनती थी 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज के समय का जो बांग्लादेश है, किस चीज पर बयान पूछ रहे हैं? किस चीज पर बयान पूछ रहे हैं? सुन लीजिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का बयान
आप हमको दिखाइए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और कितने तारीख को कहा है और किस समय कहा है। देश की संसद जिस समय सदन चल रहा था उस समय क्या भारत के प्रधानमंत्री जी को बयान नहीं आना चाहिए था? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी, जो जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं इस समय मालदीव में घूम रहे हैं, क्या उनको एक बयान जारी उस समय नहीं करना चाहिए था? पार्लियामेंट में बात की है एस जयशंकर, सुन लीजिए, आस्था जी बयान दिया और बताया वहां पे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, टारगेटेड वायलेंस है। आस्था जी मैं आपके सवाल को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत वाजिब सवाल उठाती हैं इसीलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस समय योगी जी की बातों को यहाँ पर कोट करके आप ये डिबेट चला रही हैं, लेकिन आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक क्या प्रधानमंत्री का, क्या विदेश मंत्री का, या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार में बैठे हुए। राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजेश जी आवाज आ रही ना आपको? चलिए कुछ सेकंड में वो हमारे साथ पूरी तरह जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी आपको आवाज पहुंच रही मेरी? जी आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उसको थमना चाहिए, बहुत कंसर्न इजराइल फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने व्यक्त किया, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की बात आती है या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर जो टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं उनकी बात आती है तो वहां पर क्यों नहीं इस तरह के कैंपेन हमें देखने को मिलते या विपक्षी नेताओं की हमदर्दी इस तरह देखने को मिलती? नमस्कार आस्था जी, इतने आप कंसर्न हो, काश हमारी सरकार भी इतनी कंसर्न हो जाती और सभी दलों की मीटिंग के बाद हमारे सरकार की वैदेशिक नीति, हमारे देश की विदेश नीति, हमारी सरकार जो कहेगी उस पे हमारा समर्थन है, ये होने के बाद ये प्रश्न आप शायद हमसे नहीं पूछ रही होती। हमने तो सीधे बोला है कि देश की जो विदेश नीति है, जो देश की सरकार है, अपने देश के सीमा पे सटे हुए देशों के साथ जो वैदेशिक रूप से किया जाना चाहिए, सरकार जो कुछ निर्णय लेगी हम सरकार के साथ हैं, हर बार की मीटिंग में यही कहा गया है। तो प्रश्न अब यह उठता है कि हमारे देश की सरकार, क्योंकि हमारे देश, हमारे सेना, हमारे देश की सुरक्षा और देश के देशों के पड़ोसी देशों की बात है, तो यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष होता ही नहीं है। जब सारे दलों की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि हम सरकार के हर एक, जितना सरकार करेगी उसने निर्णय उनके साथ है और सरकार बताए क्या करने वाली है, बात खत्म हो गई। अब बताइए हमें कि हमारे देश में चाहे हमारे योगी जी बोल रहे हो, चाहे कोई भी बोल रहा हो, हमारी सरकार जो कुछ करेगी उसमें हम एक साथ साथ है, एकमत है। अब इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? राजेश चौधरी जी हमारे बीच में जुड़ गए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता। ठीक है सुधा जी, राजेश जी आप तक आवाज पहुंच रही ना, क्लियर है सब कुछ, कनेक्शन वगैरह? राजेश जी आप सुन पा रहे ना मुझे? हाँ, तो यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात रख चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बात रख चुके हैं, और जो सवाल मूल निकल करके आए वो ये कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, एक तो विदेश नीति पर सवाल उठा रही है कि ये सब कुछ हो कैसे गया, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब हमने कह दिया कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ है तो सरकार बताए वो क्या करने वाली है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, अभी मीडिया में खबर आ रही है कि ये एक महीने पहले जाके लंदन में खालिदा जिया के बेटे से कैसे तख्ता पलट बांग्लादेश के अंदर होगा उसकी प्लानिंग करके आए थे, वहाँ पर पूरी प्लानिंग पूरी जानकारी राहुल गांधी को थी, तो क्या इन्होंने पहले सरकार के साथ वो शेयर की थी? क्या मोदी जी की सरकार को आकर के ये बताया था कि हम लोग ऐसी प्लानिंग वहां कर रहे हैं लंदन में बैठ करके खालिदा जिया के बेटे के साथ हम बैठ करके? आपकी ऑडियो शायद म्यूट है सुधा जी, दूसरा एक बार चेक कर लीजिए, आपकी ऑडियो म्यूट है शायद। न्याय हो रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है। आप कांग्रेस का एक फिलिस्तीन पर जरूर बोलेंगे राहुल गांधी, फिलिस्तीन पर ट्वीट करते चले जाएंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। आज तक हिंदुओं के साथ किया है, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस हिंदुओं को समाप्त करना चाहती है, कांग्रेस हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार होता है तो कांग्रेस को ये अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है, ये राहुल गांधी की ये सोच है। आस्था जी प्लीज बोलने देंगी? आपकी आवाज लगातार जा रही सुधा जी, मैं दो बार आपका नाम पुकार चुकी, बोलिए।
बहुत बहुत आभार, मुझे आवाज नहीं आई थी। मैं पूछना चाहूंगी आस्था जी आपके माध्यम से, जो भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा है, क्या इनका ये सरकारी और ऑथेंटिक बयान है, इसको माना जाए? और मैं अपनी पार्टी के थ्रू इनसे ये बात जो इन्होंने कहा है कि राहुल जी ने जान के यहाँ पे ये चला है और ये तख्ता पलट हुआ है, क्या इनकी सरकारी भाजपा की सरकारी बयान है, इस बात पे रहेंगे? इनसे ये प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि मैं आज ही इस मसले को, इन्होंने बैठ के चैनल पे कहा है कि लंदन में जाके हमारे नेता ने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, इनके पास सोर्सेस क्या है, उन्होंने कैसे कहा है, इसकी पूरी सूचना दी जाए, और क्या ये इस बात पे अभी भी टिके हुए है, इसको ये हाँ या ना बताएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की विदेश नीति के तहत बांग्लादेश हमारा नहीं है, उसका लोकतंत्र अलग है, वहाँ की जो कुछ भी होगी हमारी सरकार जो करेगी उस पे हम उत्तर देंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी, दो पैनलिस्ट हमारे बीच में और हैं जिन पर अभी तक चर्चा नहीं पहुंच पाई है, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। राजू दास जी हमारे साथ हैं। अच्छा, 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं राजू दास का रुख करती हूँ। मैं चौधरी भाई से चाहूंगी पूछना, क्या आप अपने बयान पे अभी भी कायम है? राजेश चौधरी, जो आपने कहा वो सच है, स्रोत क्या है उसका? पूरे सोशल मीडिया में, पूरे दुनिया के मीडिया में स्पष्ट रूप से ये खबर चल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोलने दीजिए ना मैडम, सुनिए, अरे सुनिए मैडम, सुनिए, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि मैं राहुल गांधी ये मीटिंग वहाँ नहीं करके आए हैं, तो वो इस बात का बयान जारी करें, और इस बात का दावा करने वाले बांग्लादेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं मैं इसका सबूत नहीं दूंगा, सबूत भी आ जाएगा। आप ये कहिए बांग्लादेश की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे पढ़ा है? राजेश जी, आपका सोर्स ये है, मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के कुछ लोकल जर्नल्स में या वहाँ के लोकल पत्रकारों के आर्टिकल्स में आपने ये सब दावे पढ़े हैं? ठीक है, विषय पर रहते हैं, आपको विरोध करना है सुधा जी, आप विरोध करिए। राजेश चौधरी जी का कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश के किसी पत्रकार का आर्टिकल पढ़ा है जहां से वो ये सब कोट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं। राजू दास जी हमारे बीच में हैं। राजू दास जी, आज मुख्यमंत्री ने एक बात की, राजेश चौधरी जी, सुनिए, डिबेट को चलने दीजिए। आप दोनों ने अपने अपने दावे रखे, मैंने आप दोनों की बात भी करवा दी। महंत राजू दास जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि बांग्लादेशी हिंदू जो है वो किसी का वोट बैंक नहीं है, इसीलिए विपक्ष की चुप्पी है, और अब अगर हमदर्दी जाहिर भी कर रहे हैं तो बहुत ही चुने हुए शब्दों में कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद, आपने बहुत देर में मौका दिया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मुझको दुख के साथ कहना पड़ा है भारतीय राजनीतिक दलों को, जिस प्रकार से बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाना, मंदिर जलाए जाना, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना, कत्लेआम करना, उसके बाद विपक्ष की होश चले, विपक्ष मौन, जब पक्ष के सरकार ने थोड़ा सा विपक्ष को घेरने का प्रयास किया तो दबे शब्दों में थोड़ा सा उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे लिखना शुरू किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फिलिस्तीन को लेकर इतना सक्रिय, फिलिस्तीन को लेकर अभी एक वीडियो में देख रहा था, जिस वीडियो में माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी से वो व्यक्ति मिले थे और फिर जाकर वो धरना दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, क्या बांग्लादेश के हिंदू नहीं, क्या बांग्लादेश में रहने वाले बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, उनके लिए कोई मानवता नाम की कोई चीज नहीं? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब वहां पर सेना के लोग इन्वॉल्व हैं, कई वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, नहीं तो आप लोग नंबर दे, मैं आपको सेना के इन्वॉल्वमेंट की वीडियो, बांग्लादेशी सेना की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की सेना की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की सेना, जी मैं बांग्लादेश की सेना की भी वीडियो उपलब्ध है, जो दमन नीति के तर्ज पर हिंदुओं को मारने के लिए और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, जहां पर 2000 घेरे हुए लोग हैं, सेना मार किसको रही है, हिंदू को ही मार रही है, तो ये कैसे काम चलेगा? ठीक है, मेहताब उस्मानी जी भी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर मेहताब जी, एक पड़ोसी देश होने के नाते, वो देश जो इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है, आधे बांग्लादेश में टारगेट करके हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां की प्रधानमंत्री जब वहां से खुद को बचाकर निकलती है तो वो भारत ही आती है, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है,
तस्वीरें, वहां के जो अखबार हैं, वहां के इंटरव्यू सब कुछ बता रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन हमारे देश में इसको लेकर सेलेक्टेड पॉलिटिक्स की क्या आवश्यकता है? एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह का टारगेटेड वॉयलेंस वहां पर है उसे कैंपेन की तरह आगे रखने में हिचकिचा रहा है। देखिए मैडम, ये डबल मीनिंग आपकी आवाज कट रही है। वो देश के प्रधान नहीं बोले, लाखों मुसलमान काट दिया। आप म्यांमार पे क्यों नहीं बोले, लाखों मुसलमान काट दिया। आप फिलिस्तीन पे क्यों नहीं बोलते, मासूम बच्चे हजारों फिलिस्तीन की तो आवाज उठ रही है इस देश में। राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की है कि भाई इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने रफा को लेकर कैंपेन चलाया। हमास में जो अटैक्स हुए वहां पर महिलाओं बच्चों, जब युद्ध होते हैं तो उनकी मौतें होती हैं, उसको लेकर अफसोस जाहिर किया। लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों है ये बताइए मुझे। आप बोलने नहीं दे रहे मैडम, आप ही सवाल करें। आप नहीं, आप म्यांमार चले गए, आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया तो मैंने आपको याद दिलाया कि फिलिस्तीन इजराइल का बहुत जिक्र हुआ है इस देश में और अब भी हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी है। मैं सारे जवाब दूंगा ना, आप सुनोगे तभी तो। आप धीरज रखो ना थोड़ा सा, आप पेशेंस रखो, आप इतने मत भड़को। आप गुस्सा मत होइए, आप अपनी बात रखिए। मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि इजराइल फिलिस्तीन का नाम लेने में कोई कमी नहीं रही हमारे देश में, खूब चर्चा हुई है इस पर। आपका सिग्नल जा रहा है बीच बीच में, चलिए फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन राजेश चौधरी जी, जो आप आरोप सुन रहे थे यहां पर, मुस्लिम स्कॉलर है मेहताब उस्मानी, आपने कांग्रेस पार्टी की बात सुनी, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, तो घूम फिरकर जो है वो स्थिति यहां पर आकर के बनाई जाती है कि देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थिति नहीं संभल रही, उस पर बात नहीं हो रही, वो तो भीड़ की हिंसा थी, नहीं होनी चाहिए। देखिए आस्था जी, सलमान खुर्शीद मुसलमान हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया गांधी जी के परिवार के बहुत करीबी हैं। उन्होंने धमकाने भरे अंदाज में ये बयान जारी किया कि भारत में भी ऐसा करेंगे। आप सोचिए इनकी सोच क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है। वो भारत सरकार को और हिंदुओं को भारत में धमकी दे रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हम कर सकते हैं। तो ये इनकी सोच है और ये दिखाता है कि ये सब करवाना है, तो प्लीज मत बुलाया, चाहे बांग्लादेश हो चाहे यहाँ हो, सब लोग मिले हुए। सलमान खुर्शीद के बयान पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई विधिवत बयान जारी नहीं किया है। तो मैं और 20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी। सलमान खुर्शीद, लेकिन हमारे लिए जो भी परिवार के सबसे निकटस्थ सब सम्मानित है, उनको एक सवाल हम अपने पैनल पर बुलाते हैं जब भी बोलने का मौका। आपको तो आप चलिए की बात नहीं पसंद तो आप काउंटर कर दीजिए। बोलिए कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार करते हुए एक सेकंड, सही क्या है झूठ क्या, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कांग्रेस लेकिन आप तो चाहते हैं कि डिबेट ही प्रभावित हो जाए, वो आप ही की सोच से आगे बढ़े, ये पॉसिबल नहीं है। महावेश में ऐसा नहीं होता है, आप अपनी बात रखिए। दूसरा कोई मकसद नहीं है, ये देश की जनता में झूठ फैला करके, और ये तो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये राजनीति करना चाहते हैं, बस कुछ हिंदू मर रहा है तो मरता रहे, चांद आराम करेंगे। राजेश जी, आप ही से सवाल था मेरा, कहां हुआ ऐसा? क्या मैं समझ नहीं पाया आपका पूरा? लाशों पर राजनीति करेंगे या लाशों पर राजनीति करते हैं, कहां हुआ ऐसा? देखिए हिंदू मर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं बांग्लादेश में, आज तक इन्होंने कोई बयान जारी किया नहीं किया। जहां 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 दंगे होते हैं वहां जाकर के ये लोग सब राजनीति करने का काम करते हैं। हमारे देश का सरकारी बयान क्या है बताइए ना, जो हमने कहा कि हम किस साथ हैं, तो क्या है सरकारी बयान बताइए, बैठे तो है आप। राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे के साथ मीटिंग की कि नहीं की, कांग्रेस का आधिकारिक बयान क्या है बताइए ना, बताइए आप ना। मैं सरकार के प्रवक्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठा हुआ। राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेशी हिंदुओं के, की बात कर रहे हैं, वो तो वोट दे नहीं सकते, उनके पक्ष में बोला है ना,
इसका इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मेहताब जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। सुधा जी एक सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, देखिए आप किसी बात की परवाह नहीं करते, धमकाइए मत, दावों के साथ हैं, आपको समय दिया गया। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मेहताब जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनकी बात बीच में रुक गई थी, मेहताब जी फिर से जुड़ गए। मेहताब जी बोलिए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खाली प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश पे क्यों बोलते हैं, फिलिस्तीन पे क्यों नहीं बोलते, म्यांमार पे क्यों नहीं बोलते, चाइना में इस कदर माइनोरिटीज को परेशान किया जा रहा है वहां क्यों नहीं बोलते, खाली एक देश के लिए क्यों बोलते हैं, और वो भी इसलिए कि वो मित्रता पुरानी थी, उइगर मुस्लिम्स को भी परेशान किया जा रहा है, उस पर तो आप लोग भी नहीं बोलते। और ये जो बयानबाजी चल रही है ना, राजस्थान जी कह रहे थे वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, पाकिस्तान से भी आवाज नहीं सुनी, चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या क्या होता है, आपको आपको इतनी बारीकी से कैसे अंदर की बातें पता चल जाती है दूसरे देश की, आप वहाँ के हिंदू जुड़े हुए, वहाँ के हिंदू मेरे भाई है, वहाँ के हिंदुओं से जुड़े हैं लगातार, मैं लगातार बांग्लादेश 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 मेरे स्थान है, मेरे मत है, मेरे मंदिर है, पलट हुआ है तो कुछ ना कुछ हिंसा तो होगी वहाँ, आपको क्या पता किस वजह से हुआ, आप थोड़े रहते हैं वहाँ, वो उनके इंटरनली मेरे आश्रम है, मेरे आश्रम है बांग्लादेश, मेरे आश्रम है उस्मानी, उस्मानी जी सुन लीजिए, राजूदास जी जवाब दे रहे हैं आपको, आप ये मत सोचिए कि बांग्लादेश किसी और ग्रह पर है, भारत के पड़ोस में ही है और हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, दोनों देशों के बीच में न जाने कितने परिवार ऐसे निकल जाएंगे जिनकी शादियां हुई होंगी, जिनके रिश्तेदार वहां पर रहते होंगे, ये दम इंदिरा जी में था, उन्होंने सेना भेज दी थी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने के लिए, आप में दम है तो अपनी सेना भेज दो हिंदू को बचाने के लिए, जंग जैसे हालात बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत की तलहटी में भी जंग छिड़ जाए, राजूदास जी तो दिखाइए, शांत हो जाइए, मैं जवाब देना चाहता हूँ, इनकी बात को मैं निवेदन करता हूँ, आस्था जी मुझको भी मौका दिया जाए, बोलिए बोलिए राजू जी बोलिए, जी जी देखिए इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि राजूदास जी को कैसे पता है कि बांग्लादेश में सेना ऐसा कर रहा है, बांग्लादेश में अपने वर्तमान में चार मठ हैं जहां पर आना जाना है, बांग्लादेश के हिंदू लगातार जुड़े हुए हैं, मैं फोन डिटेल आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेरे डिटेल नंबर बांग्लादेश के रहने वाले हिंदुओं को है, जो हिंदू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इस विषय को पहले भी उठा चुके हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे, वहाँ की सेना भी इन्वॉल्व है, अल्पसंख्यक को समाप्त कर दे, जहाँ पर भी मुसलमानों की जनसंख्या बैठती है, जहाँ पर उस्मानी जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ पर पाकिस्तान के धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस्मानी जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, उन्होंने देश का मांग कर लिया, पाकिस्तान हो गया, आपकी संख्या तो बहुत बड़ी है, आप बता दो बांग्लादेश चार मठ है वहाँ, आपको तो सारी सूचना होगी, तो वो कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश में चार मठ है उनके, उनका खुद का आना जाना है, वहाँ पर आश्रम है, लोग जाते हैं जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश जो है किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है, भारत का पड़ोसी है, रिलेशन है दोनों के आपस में, लोगों के आपस में, परिवारों में संबंध है, और राजू दास अगर दावा कर रहे हैं तो उन्होंने उसका कारण बता दिया, ठीक है, लंबे समय तक चली हो, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जब लंबे समय तक तानाशाही चली हो, कोई भी देश देख लिए तो कहीं चिंता तानाशाही वही वहां चल रही थी, किसके लिए व्यक्त कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के लिए किसके लिए व्यक्त कर रहे हैं, नहीं नॉर्थ कोरिया के लिए कर रहा हूँ मैडम, कितने देश ऐसे देखिए, कर्नल गद्दाफी तानाशाह था गया, पाकिस्तान कहाँ है, नहीं है, ऐसी ये थी शेख हसीना कहाँ है, गायब हो गई, देश छोड़ गई, तो जो तानाशाही करेगा वो देश छोड़ेगा ही, मतलब आप ये भारत के परिपेक्ष में धमकी दे रहे हैं, मतलब जो सलमान खुर्शीद ने कहा था, जो सलमान खुर्शीद ने कहा था कि यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसा कुछ हो सकता है, आप उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप जनता को सताओगे जब देश छोड़ने का वो आएगा, जब जनता को सताओगे आप, अब जनता सताते राजेश चौधरी जी वो तब तक ही हम भी रहती,
एक हद होती है, एक लिमिट होती है जनता को सताने की, उससे ऊपर जाओगे तो जनता भड़केगी। धर्म के आधार पर ही हुआ था, भड़केगी जनता सर। मुसलमानों ने देश ले लिया था पहले ही, ये उस्मानी यहाँ बैठ करके जो बहस कर रहे हैं, इनकी भी हिस्सेदारी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होगी, वहां भी इनकी जमीन होगी। देश का बंटवारा केवल हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, दूसरा कोई कारण नहीं था। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, उस्मानी यहाँ बैठ करके चैनल पे बोल रहे हैं, ये तो यहाँ लोकतंत्र है इसलिए बोल रहे हैं। जिस दिन की आबादी जिस क्षेत्र में बढ़ जाती है वहां पे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार करने का काम उस्मानी जैसे ही लोग करते हैं, यही लोग करते हैं। कश्मीर के अंदर क्या हुआ, रात और रात मस्जिदों से हुंकार भरी गई और रात और रात वहां से कश्मीरी पंडितों को हिंदुओं को भगाया गया, वहां लड़कियों के साथ अत्याचार अन्याय किए गए, इसी कांग्रेस के शासन में हुआ, वो इसी कांग्रेस के शासन में हुआ। ठीक है, तो इन लोगों का ये इतिहास रहा है उनको बोलने दीजिए। देश में जिस पार्टी की शासन है और जिस पार्टी का हमारा जो सरकार का जो नीतियां है उसके साथ हम थे कि हमारे देश क्या करने वाला है, हम तो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे, विदेश मंत्री जी क्या कहेंगे, क्या होगा, हम इसका इंतजार कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि इस देश में बैठ के लोग विपक्ष से जो कि सरकार को सिर्फ सलाह दे सकता है या साथ में बैठ के साथ का सरकार का समर्थन कर सकता है उसकी बात, और यहाँ तक जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मणिपुर इसी देश का है और मरने वाले लोग और सताई गई लड़कियां इसी देश की थी, तब प्रश्न नहीं होता है। दूसरी बात, कहने कुछ भी कर लो, कर क्या रहे हो, इसका उत्तर सरकार को देना पड़ेगा। पाकिस्तान का बयान आएगा और सरकार क्या कर रही है, हमला बोला तो समाजवादी पार्टी ने रिएक्ट किया, लेकिन बड़ी सेफ लाइन लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, अल्पसंख्यक हो, उनके ऊपर ऐसी एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए। मनीष जी करके मारने का काम करेगी। आस्था जी, जो वर्तमान में स्थिति है, इतना कमजोर भारत में प्रधानमंत्री आज के समय में, आज तक कोई भी आजाद भारत में नहीं हुआ था। इस पूरी हुकूमत ने जिसको 2014 में आपने 56 इंच का सीना माना था, आज इसकी सीने जो लंबाई और चौड़ाई है ये 16 इंच भी नहीं बच गई है, और इस नाकाम सरकार की देन है कि वहां पर अत्याचार और जुर्म हुए हैं। मोदी इसके जिम्मेदार है, भारत की सरकार बलात्कार कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। बलात्कार करते हुए लोग जलाए जा रहे होकर के मोदी सरकार से बात कर रहे हैं, मोदी सरकार इसलिए कि अगर हमारी ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया है। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, क्लोजिंग कमेंट्स आप लोगों ने रखे, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बांग्लादेश से जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश की नई सरकार के सामने आपत्ति तक जाहिर की और सख्त रवैया भी अख्तियार किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच विपक्षी खेमा चुप ही दिखाई दिया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब उस चुप्पी पर प्रहार किया तो एक एक कर विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलना शुरू किया। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे।